हेलो फ्रेंड्स, विंटर स्पेशल में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मलाई मेथी मटर की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज्यादा यम्मी बनती है। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं झटपट मलाई मेथी मटर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। 250 ग्राम मेथी साग के डंठल को निकाल के अच्छे से वॉश करके सिर्फ पत्तियों का ही यूज करेंगे मलाई मेथी मटर के। और इस तरह से फाइनली चॉप्ड कर लेंगे, बड़े बड़े पीसेस में न कट करे, इसी तरह से बिल्कुल बारीक काटें। एक पैन को गर्म करेंगे, उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर ओलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे कुछ साबुत मसाले, एक तेज पत्ता, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 1/2 टीस्पून जीरा। और अब ऐड करेंगे एक बड़े साइज के अनियन को फाइनली चॉप्ड करके और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब अनियन का कलर चेंज हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक एंड 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट। इन्हें भी अनियन के साथ मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक कि इसका कच्चापन न चला जाए। जिंजर गार्लिक जब फ्राई हो जाए तब उसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखा नहीं होता है और इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब सभी मसालों को मिक्स करेंगे और ऑयल में ही 30-40 सेकेंड के लिए रोस्ट करेंगे। और अब ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर ताकि मसाले जले न, अच्छे से भून सके। हो सकता है अभी मसाला आपको दिखने में ड्राई लग रहा हो, लेकिन इसी तरह से पानी डाल के मसाले को एडजस्ट करें, ऑयल ऐड ना करें क्योंकि एनफ ऑयल का यूज़ हुआ है। और जैसे ही हम मलाई ऐड करेंगे तो मलाई बहुत सारा घी रिलीज़ करेगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अभी और ऑयल ऐड ना करें, वाटर से ही मसाले को एडजस्ट करें और इस तरह से ढक करके मसाले को कुक होने दें। थोड़ी देर के बाद मसाले को चेक कर लेते हैं। आप मसाले को बीच बीच में चेक करते रहें, जब मसाला कुक हो जाए तब उसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरे। ये मैं एक बड़े साइज के टमाटो को मिक्सर में ब्लेंड करके यूज कर रही हूँ। सभी इंग्रेडिएंट्स और उसके मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और अब लिड लगा के ढक देंगे और 5-6 मिनट के लिए ग्रेवी को कुक होने देंगे। थोड़ी देर के बाद मैं चेक कर रही हूँ, ये देखिए ऑयल रिलीज हो गया है मसालों से, तो इसका मतलब है कि मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम फ्रेश मटर के दाने। आप इसे फ्रोजन मटर से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर फ्रोजन मटर से बनाते हैं तो फिर आप पहले मेथी ऐड करें, मेथी को 2 मिनट कुक करने के बाद मटर ऐड करें। और अब ऐड कर देंगे ये मेथी के लीव्स को। कप के मेजरमेंट से मैंने 1 कप मटर के दाने यूज किए हैं और वेट में 200 ग्राम, और 2 कप्स बारीक कटे हुए मेथी यूज किए हैं। फ्रेश मटर से बना रहे हैं तो फिर मेथी और मटर को एक साथ मसाले में ऐड करेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स करके ढक के कुक कर लेंगे। 5-6 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ और अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिली, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि मैंने मिर्ची ऐड नहीं की है। वो इसलिए क्योंकि पहले ऐड करने से क्या होता है कि मिर्च का कलर जो है वो डल हो जाता है, और जरूरी नहीं कि हर फैमिली में हर कोई तीखा खाना पसंद करता हो। तो इस तरह से क्या है कि मैं थोड़ी सी स्लिट लगा के 1-2 चिली में इस तरह से, क्योंकि इससे क्या होगा कि मिर्च ग्रेवी हल्की तीखी होगी। और आप चाहें तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, स्लिट न लगाएं अगर आप तीखा बिल्कुल नहीं खाते। तो इससे क्या होगा कि ये जो खड़ी मिर्च है, जो लोग मिर्च खाना पसंद करते हैं, आप उनकी ग्रेवी में मैश करके या फिर आप डायरेक्ट उन्हें सर्व कर सकते हैं। और अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून, और ये थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट को ग्रेवी में मिक्स करेंगे और लिड लगा के फिर से ढक के कुक करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के 5-6 मिनट के बाद मैं फिर से चेक कर रही हूँ, ये देखिए वाटर जो भी था वो अब्सॉर्ब हो गया है। आप चाहे तो आप मलाई ना ऐड करना चाहे तो आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, जिसे मैंने भून करके हाथों से क्रश किया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप न चाहें तो इसे न ऐड करें। और अब ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और अब इन्हें भी मिक्स करेंगे। और अब मैं ऐड कर रही हूँ 5 टेबलस्पून मलाई, ये घर की मलाई है। अगर आपके यहाँ मलाई दूध में ज़्यादा नहीं निकलती है तो फिर आप फ्रीजर में रख के मलाई को स्टोर करें, और यूज़ में लेने से
2-3 आवर्स पहले निकाल के बाहर रख दें। उसके बाद अच्छे से मिक्स करें और यूज करें। और अब 4-5 टेबल स्पून या हाफ कटोरी कह लीजिए वाटर ऐड करेंगे। मलाई और वाटर ऐड करने के बाद इन्हें मिक्स करेंगे और ढक के 2-3 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। 2 मिनट के बाद सब्जी को चेक करते हैं। ये देखिए सब्जी हमारी कुक है। बस धनिया से इस तरह गार्निश करेंगे और मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को इसी स्टेज पे हम टर्न ऑफ कर देंगे। ये देखिए जितनी आपको ग्रेवी दिख रही है बस ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि 10-15 मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे और थोड़े से ड्राई हो जाएंगे। और ये बहुत ही टेस्टी मलाई मेथी मटर बनकर के रेडी है। इसे बनाने में 30 मिनट्स लगे हैं। मलाई खाने के बाद थोड़ा हेवी फील होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से घर में बनाते हैं तो आपको बिल्कुल भी हेवी फील नहीं होगा। और जो मेथी की जो हल्की कड़वाहट होती है मलाई मेथी मटर में, वो कड़वाहट बिल्कुल भी फील नहीं होती और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।